इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी रिसेंटली जो राफेल डील का इशू हुआ, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफेंस मिनिस्ट्री से चोरी हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ये इशू है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये इशू सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस एग्जाम के मेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये आपका किस टॉपिक से आप लिंक कर सकते हो? तो जनरल स्टडीज के जो हमारा पेपर थर्ड है जनरल स्टडीज का, वहां इंटरनल सिक्योरिटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। एसे मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें थोड़ा। क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक तरफ हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, एक तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके अंदर आप कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकते। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स द गवर्नमेंट सेज दैट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू राफेल फाइटर डील वर स्टॉलन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स को देखें तो गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो राफेल डील से रिलेटेड थे वो चोरी हुए हैं। द गवर्नमेंट विल इन्वोक द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट टू पब्लिकेशन विच रैम रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। सो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सेज दैट वी विल इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन, और ये जो क्रिमिनल एक्शन होगा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बेस पे होगा। ये दो पब्लिकेशन के अगेंस्ट होगा, एक द हिंदू है, एक एएनआई है। क्लेम ये है कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स चोरी किए, और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में कि राफेल में ये इशू हुआ, वो इशू हुआ, वो सब रिपोर्ट्स इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। सो अब हम थोड़ा इसका हिस्ट्री देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट has its roots in British colonial era. जो हमारा official secret act है, ये British colonial era का एक act है। इसका जो original version था, उसका नाम था the Indian Official Secret Act. Original version का नाम था Indian Official Secret Act 1889. This was brought with the main objective of measuring the voice of a large number of newspapers that had come up in several languages and were opposing British policies. So, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, जिससे मैं एक लाया गया था। अगर हम देखें, इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर था, इंडिया गुलाम था, तो जितने भी न्यूज़पेपर थे, जो न्यूज़पेपर थे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है? तो उनके अगेंस्ट उनकी वॉइस को दबाने के लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया था 1904 में, लॉन्ग का लॉर्ड कर्जन का वो टेन्योर था। 1923 में नया वर्जन नोटिफाई हुआ था जिसका नाम था इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट 1923। तो ये इसका हिस्ट्री है, इसके बाद हम आ जाते हैं। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंडर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं? सबसे पहला इसके अंदर हम पॉइंट समझे थे, दो एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट है स्पाइंग एंड एस्पियोनेज कवर्ड अंडर सेक्शन 3, जो कि सेक्शन 3 के अंदर कवर होगा स्पाइंग। सेकंड है सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक तो है स्पाइंग, एक है गवर्नमेंट की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज की जा रही है। तो ये दो एस्पेक्ट इसके आते हैं, दोबारा समझ लो, दो एस्पेक्ट आते हैं। फर्स्ट सेक्शन 3 के अंदर, सेकंड सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 3 के अंदर आता है स्पाइंग, सेक्शन 5 के अंदर आता है कोई भी गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगर आप लीक करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या है?
तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैन बी एनी ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान और मॉडल. तो कोई भी ऑफिशियल कोड हो, पासवर्ड हो, स्केच हो, प्लान हो, मॉडल हो, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? सीक्रेट इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगे. अंडर सेक्शन 5, अगर हम बात करें सेक्शन 5 की, बोथ द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन कैन बी पनिश्ड. यानी कि सपोज दिस इज इंडिविजुअल ए एंड दिस इज बी एंड ए इज कम्युनिकेटिंग टू बी. तो अगर ए बी को कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ए को भी पनिश किया जा सकता है और बी को भी पनिश किया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है. ऐसा नहीं केवल जो लीक करेगा उसी को पनिश किया जाएगा. अब क्वेश्चन ये होता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सीक्रेट है और ये सीक्रेट नहीं है. तो गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉलोज द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन 1994. तो किसी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डिक्लेयर करने के लिए मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है 1994 के, इसको फॉलो किया जाता है. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया कि आप उसके अंदर बोल सके कि कोई डॉक्यूमेंट सीक्रेट है या नहीं है. ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डिक्लेयर करती है और किस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डिक्लेयर नहीं करती. बट अब इशू ये अराइज हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ये डायरेक्टली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है. अब हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इन दोनों के बीच में क्या इशू है. देखो सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट गिव्स प्राइमेसी विज़ेविस प्रोविजन ऑफ अदर लॉज इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. दिस गिव्स आरटीआई एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 22 की बात करते हैं तो ये सेक्शन 22 अदर लॉज के कंपैरिजन में राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देता है. यानी कि ये प्रायोरिटी इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगेंस्ट भी मिलती है. दूसरा, अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के बीच में होती है तो आरटीआई सुपरसीड करेगा. लेकिन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 आरटीआई एक्ट का ये कहता है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है. So, अब क्या है, इफ गवर्नमेंट क्लासीफाई डॉक्यूमेंट एज ए सीक्रेट अंडर ओएसए क्लोज 6, द डॉक्यूमेंट कैन बी कैप्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट एंड द गवर्नमेंट कैन इनवोक सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9. तो ध्यान से समझो, ये है आरटीआई, ये है आरटीआई. आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 22 वेटेज रखता है किसके कंपैरिजन में, बाकी के लॉज के कंपैरिजन में, कि आरटीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 22 का यूज करते हुए आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. और इन केस अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो आरटीआई को ही वेटेज मिलेगा. लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ही सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ये कहता है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलीज करने से मना कर सकती है. तो अगर गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट क्लासिफाई कर देती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्लोज 6 के अंडर, तो गवर्नमेंट सेक्शन 8 और सेक्शन 9 अंडर आरटीआई यूज करके उस इंफॉर्मेशन को आरटीआई के एम्बिट से बाहर कर सकती है. अब देखते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस जिनको कि प्रीवियसली चेंज करने के लिए ट्राई किया गया था. इन 1971 द लॉ कमीशन बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल बॉडी टू मेक एन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ओएसए. 1971 में लॉ कमीशन फर्स्ट टाइम एक ऑफिशियल बॉडी अपॉइंट हुई जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऑब्जर्वेशन चेक करने दे.
या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ऑब्जर्वेशन करना था और उसमें रिकमेंडेशन देनी थी कि भाई क्या इसके अंदर चेंज करने और क्या नहीं करने है। इन इट्स रिपोर्ट ऑन ऑफेंसेस अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी इट ऑब्जर्व दैट इट एग्रीज विद द कंटेंशन दैट मेरली बिकॉज अ सर्कुलर इज मार्क्ड सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल शुड नॉट बी अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। If the publication is in the interest of public and no question of national emergency and interest of the state arises. However, the law commission has not recommended any change to the act. So, यहाँ पे समझने का क्या है? Law commission जब appoint हुआ official secret act को consider करने के लिए, law commission ने क्या कहा कि केवल किसी act को, किसी document को, किसी प्रोविजन को या किसी इंफॉर्मेशन को केवल सीक्रेट लिख देने से वो सीक्रेट नहीं हो जानी चाहिए। कारण क्या है? सपोज गवर्नमेंट करप्ट है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं अगर वो बाहर आते हैं लीक होते हैं तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी चली जाएगी और मे बी कि वो इलेक्शन में हार जाए, तो वो डॉक्यूमेंट्स मार्केट में ना आए इसके लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर सीक्रेट लिख दिया। तो केवल इस रीजन से वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, सीक्रेट होने का रीजन ये होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, या उसके रिलीज होने से कोई नेशनल इमरजेंसी तो नहीं अराइज हो जाएगी या कंट्री का कोई लॉस तो नहीं होगा। अगर ये कंडीशंस हैं तो उसको सीक्रेट बोलना चाहिए। हालांकि लॉ कमीशन ने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जिसके थ्रू इस एक्ट के अंदर चेंजेस किए जाए। सेकेंड ए आर सी क्या कह रही है? सेकेंड ए आर सी रिपोर्ट तो आपने सुनी होगी। In 2006, it recommended that OSA be repealed and replaced with a chapter in National Security Act containing provision relating to official secrets. It observed OSA is incongruous with the regime of transparency in a democratic society. It referred to the 1971 Law Commission report that called for an umbrella act to be passed to bring together all laws relating to national security. तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या है? एक चीज और ध्यान रखना, ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट आपके मेंस के एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन पूरी सेकंड एआरसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां का देख लेते हैं। तो 2006 में सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट आई उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जैसे 1971 ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट में एक अम्ब्रेला एक्ट का सजेशन दिया था कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं उनको एक अम्ब्रेला लॉ में कंबाइन कर दो, यानी कि एक सिंगल लॉ बना दो। तो इन्होंने क्या सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही एक चैप्टर बना लो और उस चैप्टर के अंदर ही वो सभी प्रोविजंस ले लो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड हैं, ओएसए को हटा दो। तो दोबारा समझ लो, सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हटा दो, उसको रिपील कर दो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और उसके जो भी प्रोविजंस ऑफिशियल सीक्रेट से रिलेटेड हैं उनके लिए एक सेपरेट चैप्टर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि 1971 में जो लॉ कमीशन आया था उसने भी एक अम्ब्रेला लॉ या अम्ब्रेला एक्ट का सजेशन दिया था कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं उन सबको एक सिंगल लॉ के अंदर आप कंबाइन कर दें। नाउ वी विल डिस्कस सम इंस्टेंसेस व्हेन द ओएसए हैज बीन इनवोक्ड। One of the case was Kumar Narayan spying case. In this case, 12 former staff members in the Prime Minister's office and Rashtrapati Bhavan Secretariat were sentenced to 10 years of imprisonment in 2002 because they were found guilty of entering into a criminal conspiracy with officials of French, Polish, and German embassies communicating secret official codes and classified documents, etc. This was one of the oldest and longest criminal trials involving OSA. Next case was Namdi Narayan case. This was a high profile case. In this case, scientist S. Namdi Narayan was involved. Before his recent acquittal, he faced a criminal trial under OSA and was accused of passing on rocket and cryogenic technology to Pakistan for illegal gratification.
The next case was Madhuri Gupta case. Recently, in 2018, Delhi court sentenced former diplomat Madhuri Gupta a 3 years imprisonment because he passed sensitive information to the ISI when she served at the Indian High Commissioner in Islamabad. So thanks for watching.